हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यस वीकेंड में। आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बेस्ड एन एम लक्ष्मीकांत। यह वीडियो सिविल सर्विसेज, पीएससी और एन एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। इस सीरीज़ के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और यस, इस सीरीज़ का 52वां चैप्टर है। हमने 51 चैप्टर इससे पहले कम्प्लीट कर लिए हैं। आज हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे। आपको पता है नीति आयोग से पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग होती थी, जिसको रिप्लेस करके क्या किया गया, नीति आयोग को लाया गया। यह वीडियो मेरे द्वारा, चंद्र प्रकाश पात्री द्वारा बनाया गया है। और यदि आपको यह सीरीज़ या वीडियो पसंद आती है तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आइए इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम नीति आयोग क्या है वो जानेंगे, इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है वो देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत देखेंगे। यहाँ हम नीति आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले नहीं है। बहुत बेसिक सी जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही देखेंगे, बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जो है अब इररेलेवेंट हो गया है। और जो उसके बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो फिफ्थ ईयर प्लान्स हैं, फाइव ईयर प्लान्स वगैरह जो हैं, वो सब चीज़ों को हम इकोनॉमी वाले सेक्शन में कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग है क्या, नीति आयोग क्या है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। योजना आयोग को समाप्त करके इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पे। कई आलोचक जो है वो ये भी बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस नाम बदला गया और कुछ बेसिक सी जो चीज़ें वो बदली गई हैं। लेकिन इसमें योजना आयोग से कुछ अलग है। योजना आयोग जो है उसमें जो हम रूट की जो बात करते हैं, जो विलेज की बात करते हैं, विलेज से प्लानिंग होती थी। नीति और योजना आयोग जो है उसमें अंतर क्या है, योजना आयोग जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे थी और जो नीति आयोग है वो क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच पे है। मतलब योजना आयोग में केंद्र में क्या है, प्लानिंग बनती थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन विलेज लेवल पे होता था। जो नीति आयोग है वो कोशिश करता है कि विलेज या फिर जो नीचे का जो लेवल है वहाँ से प्लानिंग बन के ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद देन कंपाइल हो और कंपाइल होने के बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन हो। तो ये बेसिक अंतर है इनके बीच में, और कोई खास अंतर है नहीं। ये भारत सरकार को सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर क्या करता है, परामर्श देता है, एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसकी संरचना देख लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। शासी परिषद एक होता है, इसका गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल में कौन लोग होते हैं, जितने भी राज्य हैं और ऐसे राज्य जहाँ की विधानसभा है, तो विधानसभा वाले सभी राज्य और सभी संघ शासित क्षेत्र, केंद्र राज्य जो क्षेत्र हैं वो, वहाँ के मुख्यमंत्री आएंगे इसमें। इसके अलावा जो बाकी जो बच गए केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल है वो इसमें शामिल होंगे। तो शासी जो परिषद है, गवर्निंग काउंसिल जो है, उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, सभी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री होंगे, और अन्य जो बच गए केंद्र शासित प्रदेश वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इसके अलावा एक और बॉडी है इसमें, यह है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद जो है वो एक या एक से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य बेसिकली, यदि उनको कोई मामला इफेक्ट कर रहा है तो उनको इफेक्ट करने वाले कुछ विशिष्ट मुद्दे हो सकते हैं। जैसे सपोज़ यूपी, बिहार और आपका जो दिल्ली, ये सब कुछ कुछ स्टेट हैं, ये सबको मिला के अगर हम देखें, जैसे अब गंगा की बात करें, गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर जो है वो बहुत सारे राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन सब राज्यों के संबंध में यदि कोई मामला है, जैसे गंगा क्लीनिंग का मामला है या उसको और बेहतर कराने का कोई मामला है, तो उन सब मामलों में क्या होगा, वहाँ की जो क्षेत्रीय परिषद होगी वो क्या करेगी, इस पर डिसीजन लेगी। क्षेत्रीय परिषद जो है उस जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए क्या होता है, प्रधानमंत्री की गाइडेंस में एक क्षेत्रीय परिषद बनता है, जिसमें वहाँ उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं उन सभी के मुख्यमंत्री, और यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यदि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ के मुख्यमंत्री, ये सब उसमें शामिल होंगे। यदि प्रधानमंत्री हैं उसमें तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे, यदि नहीं है तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्त जो व्यक्ति है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। ये है क्षेत्रीय परिषद। इसके अलावा इसके इसका जो संरचना है उसमें विशिष्ट आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। ये कौन होते हैं, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, जो प्रासंगिक विषय या जो भी संबंधित सब्जेक्ट है जो नीति आयोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, देश के विकास के लिए आवश्यक है, ऐसे जो विद्वान लोग होते हैं जिनको पर्याप्त नॉलेज होता है इन टॉपिक्स में, उनको क्या करते हैं, ये नामित करते हैं। तो ये जो विद्वान और विशेषज्ञ लोग हैं वो होते हैं विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, जिनको प्रधानमंत्री नामित करते हैं। अब आते हैं पूर्णकालिक सदस्य में। तो पूर्णकालिक सदस्य कौन है, एक व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष होता है, इस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। पूर्णकालिक सदस्य एक अन्य जो सदस्य होता है वो पूर्णकालिक सदस्य होता है, इसको राज्य मंत्री का दर्जा मिला होता है।
इसके अलावा कुछ पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, ऐसे मेंबर जो विश्वविद्यालय अनुसंधान संगठन और अन्य प्रासंगिक जो संस्थाएं हैं वहाँ से दो मेंबर ऐसे चुने जाएंगे जो पार्ट टाइम तरीके से यहाँ पर होंगे, लेकिन वो पदेन सदस्य होंगे। इनका क्या होगा, ये यहाँ से इन जो संस्थाएं हैं विश्वविद्यालय अनुदान संगठन और अन्य जो संस्थाएं हैं वहाँ से ये दो मेंबर पार्ट टाइम तरीके से चुने जाएंगे, वो यहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। पदेन सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वहाँ से चार मेंबर जो है उसको भी लिया जाता है। तो ये चार जो है मिनिस्टर्स होंगे। तो जनरली जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है जैसे कि आपका गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, डिफेंस अगर लेना चाहें तो, और ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं वाणिज्य उद्योग, तो इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री हैं उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री जो होते हैं वो इसमें होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वहाँ से चार मेंबर। निश्चित अवधि के लिए इसका एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो नियुक्त होता है, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। ये जो अधिकारी है ये भारत सरकार में सचिव के रैंक का अधिकारी होता है। तो सेक्रेटरी लेवल का जो अधिकारी होता है, जो सीनियर IAS या जो अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो होते हैं वो सचिव रैंक के होते हैं। तो सचिव रैंक के जो अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा एक सचिवालय होगा जो आवश्यकता के अनुसार इसका गठन किया जाएगा, जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से एक सचिवालय बनेगा। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के। तो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ क्या करना है, राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण तैयार करना। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो वर्ड है राज्यों की सक्रिय भागीदारी, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या था, योजना आयोग जो था उस योजना आयोग की एक कमी ये थी कि उसमें क्या है, प्लानिंग सेंट्रल लेवल पे होता था, देन वो स्टेट को जाता था, देन वो स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आपका जो विलेज है वहाँ जाता था, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच था। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर डाउन टू अप जो अप्रोच है वो लिया गया है, नीचे से लोगों का क्या किया जाता है, भागीदारी ली जाती है। तो राज्यों की यहाँ पर सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और उसके माध्यम से क्या करना है, हमको राष्ट्र के विकास के लिए प्राथमिकता, नीति, क्षेत्र, इन सब चीज़ों को क्या करना है, तय करना है और उस हिसाब से हमको काम करना है। तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो सहकारी संघवाद का मतलब है केंद्र है और बहुत सारे हमारे पास स्टेट हैं, तो इनके बीच का जो एक फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, जो इनका जो संबंध है, इनकी शक्तियों का जो जो संवैधानिक बंटवारा है और आपसी जो सहयोग है, उन सबको क्या करना, बढ़ावा देना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक प्रणाली का विकास करना। आपको पता होगा जब से ये योजना आयोग बनी है तब से क्या हो रहा है, जो प्लानिंग का जो तरीका है वो बदल गया है और प्लानिंग अब कहाँ होती है, गांव के स्तर पे होती है। गांव अपनी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद वो गांव की प्लानिंग ब्लॉक में जाती है, ब्लॉक कंपाइल करता है, कंपाइल करके जिले में जाती है, जिले में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है वो अप्रूव करती है, अप्रूव करने के बाद फिर क्या होता है, ये फाइनली मामला आगे स्टेट को फॉरवर्ड होता है, स्टेट उसको कंपाइल करती है, फिर आपके जो यहाँ आपका नीति आयोग है वहाँ तक ही आता है। तो इस तरीके से नीचे से क्या होता है, योजना का एक जो संरचना है वो बन के आती है और उस योजना में आवश्यक संशोधन या जो भी सही समझा जाए वो सब करने के बाद फाइनली जो नीति आयोग है वो क्या करती है, प्लानिंग बनाती है। यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक जो रणनीति है या जो नीति है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। तो आर्थिक रणनीति और नीति जो है वो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी क्या है, इंक्लूडेड होनी चाहिए। मतलब हमको विकास तो करना ही है लेकिन देश की जो सुरक्षा है उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। हमारे समाज के ऐसे वर्ग पे विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति जो है उसका जिनको पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है, जैसे जो कुछ पिछड़े हुए कम्युनिटीज़ हैं लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक हैं या जो क्षेत्रीय रूप से क्या है, कमज़ोर है। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जहाँ पर क्या है, विकास पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पाया, जैसे बिहार का कुछ रीजन है, झारखंड का कुछ एरिया है, उड़ीसा का कुछ एरिया है, आपका अंडमान निकोबार वाला जो कुछ रीजन है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं, कुछ वर्ग भी हो सकते हैं, इन सब का हमको क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है और उन तक क्या करना है, जो हमारे शासन की जो योजनाएं हैं या जो हमारे देश के जो विकास की जो योजनाएं हैं उसका हमको लाभ पहुंचाना है वहां तक। रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उनकी प्रगति पर नज़र करना। तो ये क्या करते हैं, दो टाइप के प्लानिंग करते हैं बेसिकली, एक तो अल्पकालिक बनाते हैं और एक दीर्घकालिक बनाते हैं। तो अल्पकालिक जो योजनाएं हैं वो आपका 1 साल, 3 साल, 5 साल ये सब होती हैं, देन फिर जो दीर्घकालिक होता है वो 15 साल, 20 साल ये सब टाइप की लंबी अवधि की योजनाएँ बनती हैं, दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनती हैं।
ये जो रणनीतियाँ हैं, ये जो यो ये कमीशन है, ये जो नीति आयोग है, वो क्या करता है, बनाता है। बनाने के बाद समय समय पे उसका जो प्रोग्रेस होता है, उस प्रोग्रेस पे क्या करता है, वॉच करता है, और यदि उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो सुधार का सुझाव देता है और उसमें सुधार किया जाता है। जो चीज़ें हम योजना आयोग में देते थे ऑलमोस्ट वही फीचर है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ साथ शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये बेसिकली राष्ट्र के विकास के लिए जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है या जितने भी ऐसे रिसोर्सेज है हमारे पास, ऐसी संस्थाएं हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, बेटर आइडियाज़ ले सकते हैं, उन सबको क्या करना, एक जगह इकट्ठा करना, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, देश की संस्थाएँ हों या व्यक्ति हों, उन सबको लेके क्या करना, हमको देश के विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण, एक साझा योजना बनाने के लिए रणनीति बनाना है। उनकी भागीदारी जो है सुनिश्चित करना इनका काम है। कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। तो बेसिकली हमको पता है आज का जो युग है वो तकनीक का युग है, तो बिना तकनीक को अपग्रेड किए, बिना हम क्षमता निर्माण किए जो है विकास को नहीं छू सकते, तो इसके लिए इनको काम करना है। आगे इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत देख लेते हैं। तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है या किन आधारों पे ये जो नीति आयोग है खड़ा हुआ है, तो आप यदि देखेंगे तो ये हमारे पास सात जो है मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अंत्योदय, समावेशिता, ग्राम, जनसंख्यात्मक लाभांश, जन सहभागिता, अभिशासन और धारणीता। तो अंत्योदय क्या है, अंत्योदय जो है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनकी विचारधारा या उनका एक जो दृष्टिकोण है उसका एक हिस्सा है। अंत्योदय का अर्थ है यहाँ पर जो गरीब हैं, हाशिए पे हैं, जो विकास के जो मुख्य धारा है उससे बहुत पिछड़ गए हैं, वंचित हैं, इन सबको क्या करना है, इनकी हमको सेवा करना है और इनका जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करना है। तो ये है अंत्योदय। इसके बाद आता है समावेशिता, इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है, समाज का जो हर वर्ग है, हर वर्ग में मतलब जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपके अल्पसंख्यक, महिलाएँ, बच्चे, जो भी हैं, वो सबको क्या करना है, हमको विकास के मुख्य धारा में जोड़ के लाना है। और अभी तक क्या होता है या पहले क्या होता था, पहले जैसे समाज में चार वर्ग हैं या कोई भी एक वर्ग, मान लो ABCD चार वर्ग हैं, तो इस चार वर्ग में हो सकता है ये तीन वर्ग को क्या हो रहा है, विकास का बेनिफिट हो रहा है, और ये जो चौथा वर्ग है जो कि गरीब है या फिर हो सकता है वो जाति आधार पे, सामाजिक आधार पे या किसी अन्य आधार पे सोशली बैकवर्ड है या एजुकेशनली बैकवर्ड है, कोई भी आधार से क्या है, पिछड़ा हुआ है, तो इस क्योंकि इसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ नहीं है और बाकी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, उन सब सुविधाओं का एक्सेस नहीं है, इसलिए विकास में पिछड़ गए हैं। तो हमको क्या करना है, इसको पीछे नहीं छोड़ना है बल्कि इनको साथ लेके अपग्रेड करना है, ऊपर उठाना है, और इनकी हमको क्या करना है, इनके लिए विशेष कार्यक्रम बना के इनको आगे ला के समाज का जो मुख्य धारा है वहाँ पर शामिल करना है। देन आता है ग्राम, विलेज। विलेज जो है इस जो सिद्धांत है उसका एक की पॉइंट है। इसमें क्या है, हमारी जो भी विकास की प्रक्रिया होगी या जो योजना की प्रक्रिया होगी उसमें केंद्र में क्या होगा, गांव होगा। तो गांव को केंद्र में रखना, उसकी सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना, जो हमारी प्लानिंग है वो गांव के स्तर पे करना, और उसके बाद फिर उस प्लानिंग का क्या करना, जो एक योजना बनेगी उस योजना को अल्टीमेटली क्या करना, उसी गाँव के माध्यम से, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पर आपको पता होगा योजना आयोग का एक खामी ये था कि हम क्या करते थे, सेंटर में बैठ के गांव के लिए कानून बनाते थे या गांव के लिए हम योजना बनाते थे और गांव वालों को क्या चाहिए हमने कभी पूछा ही नहीं। सपोज़ एक गांव है, एक गांव में पानी के पीने के लिए इनको चार नल चाहिए, ठीक है, और इनको इसके अलावा मान लो जो ग्राउंड है वो एक खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, एक पार्क चाहिए, ठीक है, और जो बाकी जो चीज़ें, बाकी सुविधाएं, कुछ भी एक सुविधा, जैसे तालाब की हम बात करें, मान लो दो तालाब चाहिए। अब यहाँ पर जो सेंटर है उसने रैंडमली प्लानिंग कर लिया या प्रॉपर रिसर्च नहीं किया या गांव से पूछा नहीं कि उनको अभी तत्काल में क्या चाहिए। हो सकता है उन्होंने, सेंटर ने बोला कि हम गांव में चार तालाब देंगे, दो पीने का जो पानी है उसके लिए नल दे देंगे और एक मैदान दे देंगे और गार्डन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इस टाइप की इन्होंने बात कर दी। हो सकता है इनको जो चार तालाब की इन्होंने बात की, चार तालाब की आवश्यकता हो भविष्य में, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल बाद उनको आवश्यकता हो, लेकिन आज इस साल की या अगले 1-2 साल की जो तत्काल जरूरत है क्या है, दो तालाब में काम चल जाएगा या दो ऐसे संस्थान, बोरवेल्स बोल सकते हो या कोई भी एक व्यक्ति जिसमें, मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर जहाँ निस्तारी और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें वो कर सकें, तो तालाब हो,
बोरवेल्स हो, पंप हो, ये सब चीज़ें, तो उनको अभी तत्काल में दो की आवश्यकता है, बाकी पीने के पानी के लिए इनको चार चाहिए, लेकिन इन्होंने पीने के पानी के लिए केवल दो नल दिए, तो ये सब चीज़ें जो है मिसमैच जो है वो होंगी। तो ऑब्वियसली जब मेरे हिसाब से यदि मेरे गाँव में कोई काम होना है और मुझसे पूछा ही नहीं गया, तो पूछा नहीं गया तो पहली बात तो प्लानिंग गलत बनेगी, हम गांव की आवश्यकता को समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे गलत प्लानिंग करेंगे तो ऑब्वियसली जब वो गांव तक जाएगा मुझे दो नल एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, या फिर दो तालाब एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा, मिसयूज होगा जो सरकारी धन है उसका उपयोग नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें दिक्कत आती थी। तो इसको क्या किया गया, नीति आयोग के माध्यम से बदला गया और बोला गया कि अब गाँव डिसाइड करे कि गाँव को चाहिए क्या। गाँव क्या करता है, अपनी प्लानिंग करता है कि हमको ये चीज़ें चाहिए, और उसमें प्राथमिकता क्रम दे देता है कि सबसे पहले ये काम चाहिए, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, इस तरीके से प्राथमिकता निर्धारित करके दे देता है। देन सरकार के पास जो भी संसाधन होते हैं उस संसाधन के हिसाब से क्या होते हैं, जो इन्होंने प्लानिंग की है गांव में उस प्लानिंग को क्या करते हैं, धीरे धीरे प्राथमिकता के आधार पर एग्जीक्यूट करते जाते हैं। जनसंख्यात्मक लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड, आपको पता होगा हमारे देश में जो जनसंख्या का पैटर्न है वो क्या है, कार्यशील जनसंख्या जो है उसका पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, 65% तक की जो पॉपुलेशन है वो क्या है कार्यशील एज में है, 15 से 60 वाला जो एज है उस एज में है। तो इसका मतलब ये है 15 से 60 वाला जो एज है उसमें, इसका मतलब ये है कि हमारे जो लोग हैं अभी वो क्या है, वो सब कमाऊ एज में, मतलब ये सब क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, नए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब खोल सकते हैं, तो ये सब क्या करेंगे हमारे देश के विकास में योगदान देंगे। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका क्या करना है, हमको पॉजिटिव यूज़ करना है, पॉजिटिवली यूज़ करना है। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी आई, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, आपका मुद्रा स्कीम है, और आपका मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम है उसमें कुछ चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आई हमारे यहाँ। तो मूल रूप से इसका पर्पस क्या था, वो ये था कि हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या वो हमारी पूंजी है, तो मानव संसाधन या जो पूंजी है उसका हमको पॉजिटिव यूज़ करना है। देन है जन सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो जन सहभागिता क्या है, अभी तक हम देख रहे थे कि जो इससे पहले योजना आयोग का जो फॉर्मेट था उसमें क्या होता था, केंद्र से डिसीजन होते थे और वो जनता के लिए काम का है नहीं है वो सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता था, या प्रॉपर रिसर्च नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिसर्च नहीं होता था, थोड़ा बहुत रिसर्च होता है हर जगह, बिना जो है इनपुट के कोई प्लानिंग नहीं बनती, लेकिन जो पार्टिसिपेशन की आवश्यकता थी वो नहीं हो पा रही थी। अब हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग बनाते किससे हैं, गांव के जो लोग हैं या जो लोकल जो लोग हैं उनसे पूछ के प्लानिंग बना रहे हैं। तो जब मैं आपसे पूछ के प्लानिंग बनाऊंगा तो ऑब्वियसली आपकी उस प्लानिंग में सहमति है, जब वो प्लानिंग जो है अप्रूव होके आएगी और उसको अब एग्जीक्यूट करना है, और आपने ही अप्रूव किया था, सपोज आपने गांव में एक तालाब बोला और एक नल बोला, हमने ये दोनों को स्वीकृत कर दिया, स्वीकृत करने के बाद जब ये एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास आएगा तो आप तो बोलेंगे हाँ ये तालाब तो हमारे गाँव की आवश्यकता है, हम क्या करेंगे फिर इस तालाब को जल्दी से और सही तरीके से प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज़ ऐसा है कि गांव में एक तालाब की आवश्यकता है और हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की और हमने चार और एक्स्ट्रा तालाब कर दिए, तो ये चार एक्स्ट्रा जो तालाब हैं ये क्या है, हमारे किसी काम के नहीं है, गांव के किसी के काम के नहीं है अभी, तो ये क्या होगा, ये फिर सरकारी धन का मिसयूज़ है, बन तो जाएगा लेकिन यूज़ नहीं होगा। जैसे आप कभी भी जाएंगे ना गाँव में और देखेंगे गाँव में या जो भी आपका जो जैसे हम नगरीय निकाय की बात करें, पंचायतों की बात करें, जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि रोड बनी नहीं है और पुल बन गया है। सपोज़ ये रोड है, रोड में एक पुल बनना चाहिए था, तो रोड जो है उसका अप्रूवल मिला ही नहीं है लेकिन यहाँ पर पुल बन गई है। कई जगह ऐसा होता है कि सपोज़ एक तालाब है, इस तालाब में नहाने के लिए क्या होना चाहिए, जो सीढ़ियाँ जो जिसको पचरी बोलते हैं वो होना चाहिए, अब तालाब जो है प्रॉपर बना ही नहीं है, मेंटेन ही नहीं है, वहाँ पर पचरी बन गई है, यहाँ पर पानी ही नहीं है लेकिन वो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया गया है। कई जगह ऐसा होता है कि यहाँ पर जो सार्वजनिक शौचालय है वो बना दिया गया है लेकिन सार्वजनिक शौचालय के लिए प्रॉपर जो बेसिक नीड्स हैं, पानी है, साफ़ सफाई है और जो बाकी चीज़ें वो है ही नहीं। तो इस तरीके से जो सरकारी संसाधन है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। गाँव में सपोज़ एक स्कूल है, एक स्कूल के साथ में सपोज़ इसको चार जो है एक्स्ट्रा कमरे चाहिए,
ठीक है, तो ये चार एक्स्ट्रा कमरे हम यहाँ दे सकते थे, लेकिन हमने ये चार एक्स्ट्रा कमरे की बजाय कुछ और स्ट्रक्चर दे दिया। सपोज हमने एक सामुदायिक भवन दे दिया जिसका कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो ये सब जो है मिसयूज जो है, जो गांव की आवश्यकता है ही नहीं। यदि आप उस चीज़ को बनाओगे तो क्या होगा, एक तो गाँव में उसका यूज़ नहीं होगा, सरकारी पैसा वेस्ट जाएगा, दूसरा गाँव वालों ने मंगाई नहीं और आपने जबरन दे दिया, या तो जो चीज़ गाँव वालों ने मंगी वो आपने दिया नहीं, तो फिर गाँव वाले सहयोग क्यों करेंगे या जो नागरिक है वो सहयोग क्यों करेगा। तो जन सहभागिता के लिए जरूरी है कि हम पार्टिसिपेशन गांव से या जो जो अंतिम स्तर पे जो व्यक्ति है उससे लें। देन गवर्नेंस या अभिशासन, तो इसमें कोशिश की जाती है कि एक खुला पारदर्शी और सक्रिय सहयोगात्मक शासन का जो प्रक्रिया है वो अपनाया जाए। तो शासन जो है वो नागरिकों के सहयोगी के रूप में हो, असिस्टेंट के रूप में हो, सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में हो, ना कि वो एक प्रशासनिक तंत्र या लाल फीताशाही या नौकरशाही तंत्र के रूप में हो। मतलब जो शासकीय सेवक है या जो सिविल सेवक है वो सेवक है, ना कि अधिकारी। ठीक है, तो इस तरीके का हमको शासन करना है जिसमें ओपननेस हो, सूचना का अधिकार और बाकी जो चीज़ें वो सब इसका पार्ट है। देन सस्टेनेबिलिटी, धारणीयता का क्या मतलब होता है, हमने डेवलपमेंट किया तो उस डेवलपमेंट का प्रकृति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि प्रकृति जो है हमारे डेवलपमेंट से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जिसका रिकवरी नहीं कर सकते, तो ऐसा डेवलपमेंट जो है वो हमारे लिए निकट भविष्य में बहुत उपयोगी नहीं है, हमारी जो अगली पीढ़ी है वो देख ही नहीं पाएगी। जैसे आज के टाइम में हम कोल और पेट्रोलियम की जो बात करते हैं, जो कोल और पेट्रोलियम है ये आपको पता है ये क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब इनको हम क्या करेंगे, एक बार जब यूज़ कर लेंगे तो इनको बनने में कई हज़ार साल लगते हैं, तो तब तक के लिए तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये संसाधन हमारी प्रकृति से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो संसाधन है, ये हमारी जो पृथ्वी की जो कैपेसिटी है, हमको विकास ऐसा करना है कि हम पृथ्वी की कैपेसिटी का मैक्सिमम जो यूज़ है वो तो करें, लेकिन उसको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। तो हम ऐसा जो है विकास के प्लानिंग बनाएं या ऐसे विकास के मॉडल को फॉलो करें जिसमें प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान मत हो। नुकसान तो होता है, डेवलपमेंट में हम जाएंगे रोड बनाएंगे तो काटेंगे पेड़ पौधे, तो यदि हम रोड बना रहे हैं पेड़ काट रहे हैं तो हम यदि 100 पेड़ काटें तो हमको 200-400 पेड़ एक्स्ट्रा लगाने चाहिए, ताकि जो हमने वेस्ट किया है वो क्या है, मैनेज हो जाए। तो इस तरीके से हमको विकास का मॉडल अपनाना चाहिए। आज के लिए इतने ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको जो कम्युनिटी वाला सेक्शन होता है यूट्यूब का या पोस्ट वाला जो सेक्शन होता है, वहाँ मैं डेली एक क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा, वहाँ आप उसका आंसर कर सकते हैं या कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।